हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू द सेशन गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में बता दीजिए इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल एम आई ऑडिबल एंड विजिबल एम आई ऑडिबल एंड विजिबल गाइस जल्दी से बिल्कुल हाँ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देख रही हो तो आज हम क्या करने वाले हैं लेट्स चैलेंज नीच ट्वेंटी वन सीरीज का इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स फ्रॉम चैप्टर थ्री दैट इज प्लांट किंगडम दैट इज़ प्लांट किंगडम कौन कौन बच्चे आ गए हैं हाय विकास दिविशा लोकेश प्रीति राज लक्ष्मी अयान मिस्टी रामानी सिया प्रेरणा विंकल स्नेहल रोहित श्रद्धा और कौन कौन है गायत्री वर्षा डिम्पल सुराजीत सागर सिया राशि गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग एवरीबॉडी जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप्स में जाके बता दीजिए कि मैम इज लाइव मैम लाइव आ चुकी है सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन ठीक है सो दैट सभी बच्चे ज्वाइन कर पाए ठीक है बता दो बता दो जल्दी से बता दो ऑल राइट नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर सेशन फॉर द डे क्या सेशन है भैया लेट्स चैलेंज नीट ट्वेंटी वन नीट ट्वेंटी वन को कैसे चैलेंज कर दे नीट ट्वेंटी वन को हम ऐसे चैलेंज कर सकते हैं कि हम हमारी एनसीआरटी की एक एक लाइन परफेक्टली लर्न कर लें अगर हम एक एक लाइन परफेक्टली लर्न कर लेते हैं परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम वैसे भी बायोलॉजी में थ्री फोर्टी प्लस मिनिमम ला सकते हैं विथ जस्ट एनसीआरटी लाइन ग्रेट ओके सो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आज करना है चैप्टर थ्री प्लांट किंगडम से आर यू रेडी गाइस सो आई एम डॉक्टर प्रणाली मिश्रा नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर ऑन एन अकेडमी विथ मोर देन फाइव इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई वे मेंटर्ड मोर देन सिक्सटी थाउजेंड स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेट्स क्रैक इट आप अन अकेडमी को डाउनलोड करके नीट यू जी सिलेक्ट करके मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं टू अनलॉक द फ्री क्लासेस अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस कोड टू गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन ठीक है फिर फीचर्स क्या क्या है अन अकेडमी के यू कैन लर्न लाइव अपने घर से कंफर्ट में अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्सेस डाउट क्लियरिंग लाइव टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल बैच कोर्सेस मेंटरशिप एंड वॉट नॉट प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पी मिलता है आइकॉनिक के साथ एक और बेनिफिट है आप लोगों को कि एक पर्सनल कोच भी मिलता है ठीक है तो एंतूज बैच नीट ट्वेंटी टू की बैचेस शुरू हो गई है जून सेकेंड से बाहुबली बैच है नीट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए ये भी स्टार्ट हो चुकी है ये सभी बैचेस जून सेकेंड से स्टार्ट हो चुकी है आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है स्पार्क बैच जो है नीट ट्वेंटी वन की इट इज़ फाइनल रिविजन बैच ये थोड़ा सा चेंजेस है दैट इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाइन्थ जून नाइन्थ जून से ये बैच स्टार्ट होने वाली है इस बैच में मैं आपको जुलॉजी पढ़ाने वाली हूँ पूरा जुलॉजी का कोर्स मैं तुम्हारा कंप्लीट करवा दूंगी पूरा रिविजन इलेवेंथ और ट्वेल्थ जुलॉजी दोनों ठीक है आज आइए तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग आज हम इम्पोर्टेंट लाइनर्स से शुरू करना था ओके okay, तो ये रहे इंपॉर्टेंट लाइनर्स ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर वन ओके सो क्वेश्चन नंबर वन इज टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक बताइए कौन सी टेक्सोनॉमी होती है जो कंप्यूटर्स वगैरह यूज करके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पे बनती है चलिए बताइए देखते आई आई रियली वॉन्ट टू सी सबसे पहले कौन आता है सबसे पहले आज कौन आता है बेटा आंसर देने के लिए एक्सीलेंट ठीक है कौन सी टेक्सोनॉमी यूज होती है दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं ठीक है वेरी गुड बेटा निरुपम सौरभ वैष्णवी प्रेरणाजीत बहुत बढ़िया बेटा इसी तरीके से आंसर देते जाओ और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो है ना अपन को एनसीईआरटी की एक एक लाइन बिल्कुल दिल जहान में है ना बैठ जानी चाहिए क्वेश्चन नंबर टू कौन सी टेक्सोनॉमी डैश टेक्सोनॉमी दैट यूज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजोल्व द कंफ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमि दीज डेज जब केमिकल वर्ड यूज होता है तो उस टेक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं बताइए जब कौन सा वर्ड यूज होता है केमिकल वर्ड यूज होता है तो उस टेक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं वेरी गुड बैड बॉय सिया आशीष श्रेया श्रेयादेश सूरज सुराजीत नजीम वेरी गुड इट इज नोन एज कीमो टेक्सोनॉमी कीमो टेक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिटेंट ऑफ द प्लांट्स यूज हो रहे हैं कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री डैश आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल एंड लार्जली बोथ प्लस ऑर्गेनिज्म ठीक है ये बताना है आपको ठीक है हाँ तो जो क्लोरोफिल बियरिंग है ठीक है कुछ कुछ बच्चे ऐसे बेटा रिफ्रेश करो है ना कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे मैम आ गई क्या मैम एक बार लाइव आती हैं फिर एक बार रिफ्रेश करके देखा करो तो मैम दिखने लगेंगी तुम्हें है ना तो ये क्या आंसर है बेटा क्लोरोफिल भी है सिंपल भी है तो जो ऑर्गेनिज्म थैलोफाइटा में आते हैं जो ऑर्गेनिज्म थैलोफाइटा में आते हैं दे आर थैलोइड ऑटोड्राफ एक लार्जली एक्वेटिक इसका आंसर है एलगी इसका आंसर है हमारी प्यारी एल्गी वेरी गुड दीपिका सोनल सोनाली राशि ओके ग्रेट ग्रेट ठीक है तो इसका आंसर है एलगी होती है भैया क्लोरोफिल बियरिंग तुम्हें मैं बता रही हूँ इस सीरीज को तुमने अटेंड कर लिया ना तो तुम NCRT के बॉस बन जाओगे मास्टर ऑफ है ना एक एक लाइन बिल्कुल कोने-कोने तुम्हारी अकर इन एसोसिएशन विद इनका एसोसिएशन रहता है इट इज नोन एज लाइकेन ओके द दिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन दी फंगस इट इज नोन एज राइट मैम कैन एलगी बी प्रेजेंट विद दी स्लॉथ बियर ये बड़ा सा स्लॉट बियर है इसके साथ ओके okay, आंसर ही बता दिया मैम ने ठीक है ओके स्लॉथ बियर कौन से एनिमल के साथ प्लांट के साथ तो जब मिलती है ठीक है प्लांट मतलब एलगी जब फंजाय के साथ मिलती है तो लाइक एलगी जब एनिमल कौन से एनिमल के साथ मिलेगी तो स्लॉथ बियर मैम ऐसा कैसा हो गया कि एनिमल के ऊपर एलगी ग्लो ग्रो होने लग गई तो ये जो स्लॉथ बियर होता है ये आलसी बियर होता है इट इज वेरी लेजी तुम्हारी तरह बिल्कुल दिन भर ऐसा पड़ा रहता है सोता रहता है इसके ऊपर एलगी ग्रो हो जाती है नहाता ही नहीं है इतनी गंदगी हो जाती है इसके बॉडी के ऊपर नहाता ही नहीं है दुनिया के सारे पैरासाइट तुम्हें इसी की बॉडी पे मिलेंगे है ना तो स्लॉथ बियर क्या है गंदा सा आलसी सा पेड़ पे ऐसा टंगा हुआ रहता है और इसमें क्या हो जाती है uh, अपनी एल्गी ग्रो होने लगती है और उसको पता भी नहीं चलता बड़ा वो है मतलब भला करता है चलो एल्गी ग्रो हो रही है होने दो पैरासाइट खून पी रहे पीने दो द फोर मैन साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म लाइक ओके सो दे आर आस्किंग विच एल्गी इज प्रेजेंट इन कोलोनियल फॉर्म कोलोनियल फॉर्म में कौन सा है ठीक है बताओ बताओ कौन आंसर बताएगा सबसे पहले वेरी गुड सिया वेरी गुड गायत्री और कौन बता रहे हैं सबसे पहले राशि नजीम श्रेया मिराज वेरी गुड वेरी गुड आकांक्षा प्रेरणा रिया नरगिस मर्सी रमानी संजय सोनाली सुराजीत गीतिका निरुपम इट इज वॉलवॉक्स ठीक है वॉलवॉक्स इज प्रेजेंट इन कॉलोनियल फॉर्म घर परिवार बना के रहता है कॉलोनी में रहता है अकेले नहीं रहता बिल्कुल भी वेरी गुड स्नेहल कल्पना आशीष सोनाली श्रुतित सोनल गुड अ फ्यू ऑफ मराइन फॉर्म सच एस डैश फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडी मैसिव प्लांट बॉडी कौन बनाता है बड़ी बड़ी प्लांट बॉडी कौन सा एलगी का फॉर्म बनाता है काफी लंबी होती है ये वेरी गुड श्रद्धा रेनू वेरी गुड हु एल्स विल बी आंसरिंग वेरी फास्ट बताओ जल्दी से ओके okay, राशि हर्षता रितेश स्वामीजीत मर्सी इंद्रेश सयद वेरी गुड परमार सो इट इज कैल्प देखिए कैल्प क्या है मराइन फॉर्म ऑफ एल्गी है मतलब कहाँ रहता है सॉल्टी वाटर में रब रहता है ओशंस में रहता है सी में रहता है इट फॉर्म्स मैसि प्लांट बॉडी बड़ी बड़ी प्लांट बॉडी फॉर्म करता है क्वेश्चन नंबर थ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आप लोग बताएंगे अब वेरी गुड विंकल ओके ओके आ जाइए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है दर इज फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ द गेम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात हो ये जो इसका एक्जैक्टली exactly अपोजिट है इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोरस जो रहते हैं उससे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट कॉमन स्पोर यूजफुल इन दी ए रिप्रोडक्शन इज वेरी गुड निकिता प्रेरणा गायत्री मर्सी स्निग्धा गीतिका शांतनु पूजा सौम्यजीत सोनल आकांक्षा नेहा वैष्णवी दे आर जू स्पोर्स जू क्यों बोला बिकॉज दे आर मोटाइल है ना मोटाइल होते हैं कैसे मोटाइल होते हैं दे पजेज फ्लजिला इसीलिए मोटाइल हो जाते हैं फ्लजलेटेड स्पोर्स आर दी जू स्पोर्स ए सेक्शुअल रीप्रोडक्शन इन एलगी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज ठीक है दो गैमिट्स हैं एक छोटा होगा एक बड़ा होगा इन दोनों की साइज डिसिमिलर है डिफरेंट साइजेस हैं ठीक है ठीके, इसको क्या बोलते हैं एन आइसो गैमस बोलते हैं जब दो गैमीट है दोनों की साइज अलग है छोटा है एक बड़ा है ठीक है ये अभी न्यू एन में आया है ये अभी न्यू एन में आया है जो बच्चा इसका आंसर देगा मजा आ जाएगा कौन इसका आंसर देता है दिस इज समथिंग न्यू ये आप नया देंगे अरे ये तो सभी को पता है बेटा एन आईसो कौन सा है न्यू एन का क्वेश्चन है देखो बेटा नीट में सिलेक्ट होने के लिए हमें वेरी गुड बेटा रेनू सिंह ने आंसर बताया है रेनू सिंह अमेजिंग अदिति मिश्रा अमेजिंग सिर्फ दो ही बच्चे अभी तक बता पाए हैं सिया समीर वेरी गुड सो द फ्यूजन अभी एन अपडेट होने के बाद ये आया है यूडोरना ये वाला जो है एलगी इसमें दो गेमी एंड दे आर डिसिमिलर इन दी साइजेस बेटा ये वाला क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है नीट हमेशा चेक करती है कि बच्चे अपडेटेड है कि नहीं डॉक्टर बनने की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि आप लाइफ में अपडेटेड रहो विद द न्यू डिसीजेस और क्या क्या मॉडिफिकेशन और डिस्कवरीज हो रही हैं तो नीट अपडेट हुई है तो मैं पता होना चाहिए नाइन्थ मैनी स्पीशीज ऑफ दायरा लेरिया एंड सरगेजम आर अमंग द डैश स्पीशीज ऑफ मराइन एलगी यूज एज फूड ठीक है इसमें तुम्हें एक नंबर बताना है यू आर सपोज टू टेल नंबर ठीक है तुम्हारे पास पुरानी बुक है पर नीट में तो नया नया भी पूछ सकते हैं चलो बताओ नंबर बताना है वेरी गुड हर्षिता चौधरी ठीक है यहाँ पे नंबर आना चाहिए इट इज़ अमंग द सेवेंटी स्पीशीज ऑफ द मराइन एल्गी है ना इसमें नंबर पूछा है राशि साहिल सैयद बैड बॉय सोनाली मुस्कान श्रेया श्रुतिज कल्पना स्निग्धा वेरी गुड सेवेंटी आंसर है डैश यूनिसेल्यूलर एल्गी रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर स्पेस ट्रेवलर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको कहाँ जाना है चांद पे जाना है ठीक है स्पेस में चले गए कोई एक एलगी लेके जाते हैं ये येगी सिंगल सेल्ड होती है दिस एलगी इज यूनीलुलर और ये प्रोटीन में रिच होती है तो इसको खाने ले जाते हैं ना दिस इज एडेबल एलगी तो इस एलगी का आप लोगों को नाम बताना है वेरी गुड संजय हीना जोया स्निग्धा नेहा अदिति रिया रमानी नजीम प्रेरणा महादेव वेरी गुड पूजा इट इज़ वॉट विच टाइप ऑफ एलगी दिस इज क्लोरेला इस एलगी को क्या बोलते हैं क्लोरेला बोलते हैं सही आंसर बताया आप लोगों ने अमेजिंग क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ तो कल की क्लास का मैं सरप्राइज आज ही लीक कर देती हूँ हर संडे अपना जो यूट्यूब चैनल है अपन जिस यूट्यूब चैनल पे अभी प्रेजेंट है हर फ्राइडे यूट्यूब चैनल जो है अपना अन अकेडमी से पियन इस पर एक फ़न फेस्टिवल टाइप का होता है इसमें हम कुछ फ़न गेम करते हैं तो कल शाम को सात बजे एक गेम होने वाला है इस गेम का नाम है पहचान कौन इस गेम का नाम है पहचान कौन तुम्हें क्या पहचानना है इसमें तो एन में जितने भी साइंटिस्ट के नाम दिए हैं वो तुम्हें लर्न करके आने हैं अगर तुम एन के सारे साइंटिस्ट के नाम लर्न करके आते हो तुम्हें साइंटिस्ट का एक पिक्चर आएगा या फिर उन साइंटिस्ट ने क्या काम किया था ये आएगा और तुम्हें करना है सिर्फ तो एनसीआरटी के ही साइंटिस्ट तुम्हें लर्न करने हैं तो इस तरीके से तुम इलेवेंथ की एनसीआरटी प्लस ट्वेल्थ की एनसीआरटी में जितने भी साइंटिस्ट है वो सब तुम्हें लर्न हो जाएंगे तो कल सभी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ के आओ और अपनी प्रिपरेशन में प्लस वन लगा दो ठीक है सारे साइंटिस्ट पढ़ के आने तुम्हें एक फोटो आएगा या फिर उनका काम आएगा जो काम उन्होंने किया है एंड यू लैव टू से क्या काम किया है तो सही बात है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तो देखते हैं कल उस गेम का विनर कौन होता है कौन साइंटिस्ट को सही रेकोगनाइज कर पाता है डैश वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं वाटर होल्डिंग वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बताओ क्या है सबसे पहले कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में हाइड्रोकोलॉइड बोलते हैं वेरी गुड रेनु सिंह परमार हर्षिता वेरी गुड तो जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस रहता है इसे हम हाइड्रोकोलॉइड बोलते हैं हाइड्रो मतलब पानी कोलॉइड ठीक है तो वाटर को जो होल्ड करता है दैट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरा कोलॉइड इज दैट क्लियर हाँ अब कौन हाइड्रोकोलॉइड होते हैं ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ठीक है हाइड्रोकोलॉइड ठीक है तुम्हें कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोकोलॉइड की तरह एक्ट करते कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है हाँ कल होगा बेटा सात बजे पहचान कौन तुम्हें साइंटिस्ट की फोटो आएगी तुम्हें साइंटिस्ट को रिकग्नाइज करना है इस तरीके से तुम्हारे सारे साइंटिस्ट लर्न हो जाएंगे अगर हम एलगी देखें मतलब की क्योंकि क्योंकि है। अगर उनका brown pigment से, और रोडोफाइसी अगर रेड एलगी अगर उनके रेड पिगमेंट है ये वाला चार्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है इसीलिए जब मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखो सेवेंटी परसेंट तो चांसेस हैं कि इधर से ही क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको इग्नोर ना करें दिस चार्ट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो क्लोरोफिल ए भी देखो इसको याद कैसे करना है कि क्लोरोफिल ए तो सब में ही प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए तो सब में प्रेजेंट है इसमें बी सी डी है ना ए सब में प्रेजेंट है बी सी डी ऐसे याद कर लो ठीक है फिर इसमें अलग से याद कर लो कि फ्यूकोजेंथिन फाइको इरिथ्रिन वर्ड का मतलब ही होता है रेड रेट्रिन वर्ड का मतलब होता है रेड ठीक तो है तो रेड है तो रेड प्रेजेंट होगा ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करती है स्टार्च में ठीक है इसको कैसे याद करो एमएलए है ना मैनिटॉल और लैमिनेरिया और आखिरी वाला जो है ये स्टार्च के फॉर्म में करती है फिर उसके बाद सेल वॉल किसकी बनी है तो सेलुलोज तो सभी में लिखा हुआ है सेलुलोज तो तुम्हें सब में लिखना है ब्राउन में एल्गिन लिख देना और इसमें पैप्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स इसकी सेल वॉल को बनाते हैं फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है इन विच एल्गी फ्लेजिला इज ऐब्सेंट फ्लेजिला किस एल्गी में एब्सेंट रहती है तो फ्लेजिला इज ऐबसेंट इन दी रेड एल्गी ठीक है बाकी इसमें दो टू टू एट रहती है इसमें टू रहती है इक्वल अन एपिकल लेटरल तो तुम इसको डिफरेंस के फॉर्म में याद करोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा अब यहाँ पे ये जो वर्ड है तुम सम मोस्ट इन वर्ड पे जरा ध्यान दिया करो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं ठीक है कि फ्रेश रेयरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर तुम क्या याद करते हो ये भी फ्रेश वाटर ये भी फ्रेश वाटर ये भी फ्रेश वाटर पर तुम ये याद करना भूल जाते हो कि रेयरली इन फ्रेश वाटर कब होगी मोस्टली चलो एक क्वेश्चन बताओ आप लोग मुझे कि मोस्टली सॉल्ट वाटर में कौन सी एलगी मिलती है मोस्टली सॉल्ट वाटर में कौन सी एलगी मिलती है बताइए जल्दी से हा रेड एलगी इज मोटाइल जस्ट बिकॉज फ्लजिला आर नॉट प्रेजेंट नॉन मोटाइल होती है बिकॉज फ्लजिला आर नॉट प्रेजेंट ठीक है ओके सो मोस्टली जो रेड एलगी होती है इट इज फाउंड इन दी सॉल्ट वाटर नेक्स्ट मेजोरिटी ऑफ डैश एलगी आर मराइन विद ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन दी वार्मर एरियाज गरम गरम रीजन जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है वेरी गुड वेरी गुड हिमांशी रमानी प्रतिभा परमार मर्सी स्नेहा सोनाली सोनल रितेश स्निग्धा राशि वेरी गुड फोर्टीन पे आ जाओ वार्मर एरियाज में वार्मर रीजन में कौन सी एलगी है तो रेड एलगी होती है सबसे ज्यादा वार्मर रीजन में बेटा ये सीरीज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम्हारी एक एक लाइन एन सी टी की जो गलती से छूट जाती है वो भी कवर हो जाती है ये तुम्हें मास्टर बना देगी एन टी का द गेमीट्स आर पायरीफॉर्म पायरीफॉम शेप मतलब कौन सा शेप होता है वैसे तो मैं तुमसे ये पूछने वाली थी कि कितनी लेटरली अटैच फ्लजला होती है तो तुम मुझे बताते कि दो लेटरली अटैच्ड फ्लजिला होती है फिर मुझे लगा कि जो नंबर है ना नंबर तुम लोग हमेशा इजीली याद कर लेते हो है ना शेप पूछ के देखते हैं विकास पटेल क्या बोल रहे हो डर लग रहा है एग्जाम से क्या करें बेटा जो डर गया उसका नीट गया है ना डरना मना है दो महीने बेटा दो महीने में तो तुम रॉक कर दोगे उठा पटक मचा दोगे अच्छे से पढ़ाई करो डरोगे डरने में टाइम वेस्ट हो जाएगा वेरी गुड बेटा रश्मि महादेव स्निग्धा सोनाली रितेश मोहम्मद स्नेहा नेहा क्षितिज मिराज प्रतिभा वेरी गुड इट इज गितिका पियर शेप्ड पियर शेप्ड देखा है तो मुझे बता दो एनसीईआरटी में और क्या हो सकता है पियर शेप्ड कैन एनी बडी टेल मी और क्या होता है पियर शेप्ड ऐसा होता है ना पियर कौन बताएगा कि एनसीईआरटी में एक और चीज दी है जो पियर शेप्ड है देखते हैं पायरी फॉर्म का मतलब ही पियर शेप्ड होता है ठीक है नाउ आइडेंटिफाई दिस डायग्राम इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करें यूट्रस, वेरी गुड रोमा वेरी गुड नजीम रश्मि, प्रतिभा स्निग्धा वेरी गुड अदिति नौशाद गायत्री बहुत अच्छे है ना तो ये क्या होता है जो यूट्रस रहता है जो वूम्ब रहता है दैट इज ऑल्सो पियर शेप है ना कैसे मैम आपको रिप्रोडक्शन कैसे याद आ गया प्लांट किंगडम पढ़ाते पढ़ाते दोनों का पियर शेप था मैंने सोचा बच्चों को बता दूं है ना नाउ आइडेंटिफाई दिस जो एनसीईआरटी में लिखा है वही तुम्हें बताना है वेरी गुड प्रेरणा हर्षिता हिमांशु मोहित सिया अच्छा अब मुझे कौन बताएगा कौन बताएगा ठीक है ये तो स्फैगनम है ये तो मुझे भी पता चल गया तुम लोगों ने बता दिया इज इट स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट ये जो है स्फैगनम का ये जो है स्फैगनम का स्पोरोफाइट है कि गेमिटोफाइट है हु इज गोइंग टू टेल मी दिस तुमने एनसीईआरटी में फोटो तो याद कर ली कि ये फोटो स्पैगनम की है ठीक है वूम को हिस्टेरा भी कहते हैं इट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप वेरी गुड मुस्कान इट इज़ गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट कौन बताएगा बताओ बेटा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी गुड वेरी गुड है ना इट इज वॉट सब बच्चे अलग अलग आंसर बता रहे इट इज फोरोज स्पोरो वेरी गुड इधर आ जाओ द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड डैश इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेज सिंगल सेल सिंगल एक्ट ठीक है एक फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है फ्लास्क शेप का ठीक है उस फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं जो फ्लास्क शेप्ड का है बताइए नीट के लिए कौन सी बुक लूँ बायो के लिए तुम अभी दो महीने बचे हैं अगर तुम नीट ट्वेंटी वन में देने वाले हो तो एन खरीदो और एन पढ़ो सिर्फ एन करो और थ्री थर्टी मार्क्स तो तुम्हारे एनी वे आई जाएंगे तीन सौ तीस भी बहुत है ठीक है बाद के लिए दे रहे हो और एक ऑब्जेक्टिव बुक कर लो एक ऑब्जेक्टिव बुक कर लो ठीक है इट इज नोन एज आर्चीगोनियम आर्चीगोनियम बोलेंगे बेटा फ्लास्क शेप होता है ठीक है याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट सिंस डैश फॉर्म डेंस मैट ऑन दॉइल द रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन तो क्या होता है बेटा कि ये जो है सिंस डैश मतलब जो भी डैश में आंसर है ये डेंस मैट फॉर्म करता है घनी मैट फॉर्म कर लेता है सॉइल पे ग्राउंड पे जब ये ग्राउंड पे आ जाता है तो अगर रेन इस पे गिरती है ऐसी बारिश हो रही है टिप टिप बरसा पानी ठीक है तो जब पानी बरसा तो सोइल वॉश अवे नहीं हो जाता है सोइल वहीं पे रहता है मतलब सोइल इरोजन नहीं होता तो कौन मैट बना रहा है ये मैट कौन बना रहा है वेरी गुड गीतिका सिया नेहा रिया एग्जैक्ट बताओ मर्जी कशिश सिगदा वेरी गुड सुतेज स्नेहल महादेव मैडी गुरु ठीक है संतोष गेमिंग ओके सो इट इज द मॉस जो मैट बना रहा है एम से मॉस एम से मैट ठीक है मैट बना रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन द लीफी मेंबर्स हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडिज इन डैश रोज इसमें तुम्हें नंबर ऑफ रोज बतानी है कि कितनी रोज में बन रहा है ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर तो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नाइनटीन बताओ कितनी है बेटा कितनी रोज है कौन सबसे पहले बताएगा द नंबर ऑफ रोज बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड रिया मिराज नेहा विकास नेहा चौधरी मुस्कान बैड बॉय रेनू प्रेरणा सराजीत सागर वेरी गुड सौम्यजीत नौशाद परमार ठीक है टू रोज दो रोज बनाता है स्टेमलाइट स्ट्रक्चर्स पे गेमे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर ए सेक्शुअल बर्ड्स विच स्मॉल स्मसेप्टल कॉल्ड ठीक है ये जो गैमे होते हैं ये रिसेप्टेकल्स में डेवलप होते हैं इन रिसेप्टेकल्स को हम क्या बोलते हैं वॉट आर दीज रिसेप्टल्स कॉल्ड इन रिसेप्टेकल्स को क्या बोलेंगे बताओ इस रिसेप्टेकल्स को हम क्या बोलेंगे दिस रिसेप्टेकल्स विल बी नोन एज गैमा कप्स गैमा कप्स बोलते हैं ये भी एग्जाम में आता है वेरी गुड नेहा मर्सी नजीम परमार पूजा दीपिका गायत्री गुरु वर्षा अंशुमन वेरी गुड ओके नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस डायग्राम गिवन ओवर हियर ये डायग्राम किसका है ये डायग्राम किसको बिलोंग करता है बेटा हमारी डेली क्लास शाम को सात बजे होती है यूट्यूब पे अन अकेडमी सेपियंस पे जिसमें हम लाइन टू लाइन एन कवर करते हैं लाइन टू लाइन एन कवर करते हैं तो दिस इज बेसिकली सेल्विनिया, सेल्विनिया की पिक्चर है ये वेरी गुड साहिल गायत्री पूजा मिराज गीतिका स्निग्धा विकास सोनाली बैड बॉय मुस्कान गुड गुड very good dryopteris pteris and adiantum ye adiantum koi walking fern bolte hain kya is this adiantum known as walking fern in ye kis class ko belong karte hain kis class ko belong karte hain ye batao कहाँ आए बेटा Class में आना है शाम को सात बजे An Academy सेपियंस YouTube channel पे Very good रेनू very good. सबसे पहले तुमने answer बताया है इट इज टेरॉपसिडा ठीक है इट इज टेरोपसिडा ये किसको बिलोंग करता है टेरोपसिडा को बैड बॉय आशीष सिया रितेश स्निग्धा मिराज सोनल इट इज इंपॉर्टेंट है न अंजली वेरी गुड इन डैश द निडिलीव रिड्यूस दरफेस एरिया क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आ सकता है लीव का शेप पूछ सकते हैं और प्लांट का नाम पूछ सकते हैं किसमें किस लाइक लीव्स होती है लाइक लीव्स किसमें होती है तो लाइक लीव्स जो सरफेस एरिया को कम कर देती है तो सरफेस एरिया को कम ही करेगी ये सरफेस एरिया बड़ा है ऐसी लीफ होगी तो कम हो जाएगा द आंसर इज कोनी ठीक है आंसर क्या होगा कोनीफर वेरी गुड सिया वेरी गुड आशीष हर्षिता मुस्कान श्रुतिज गायत्री स्निग्धा आकांक्षा श्रेया द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लॉरिंग प्लांट वॉज गिवेन बाय दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था दैट क्लासीफिकेशन सिस्टम क्या है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल एफिनिटीज को कंसिडर करता है वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करता है इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड वॉट नॉट बेटा ठीक है तो कौन दो साइंटिस्ट थे वेरी गुड मिराज पूजा बेटा गलत बता दिया ये तो तुमने इट इज बैंथम एंड हुकर बैंथम साइंटिस्ट है हुकर साइंटिस्ट है ठीक है वेरी गुड सागर इट इज बैंथम एंड हुकर ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया वेरी गुड गीतिका वेरी गुड सोहेल वेरी गुड सौम्यजीत पूजा नेहा नजीम प्रेरणा अत्री वेरी गुड बेटा निडिल लाइक लीफ जिनमें होती है उन्हें कोनीफर्स बोलते हैं तुमने ऐसे देखे होंगे पौधे है ना साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर आर रिलेटेड विथ किससे रिलेटेड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कौन सी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है क्या मैं बोल सकती हूँ इसका नाम में ही काम है वेरी गुड विकास बैड बॉय रिजू रेनू नौशाद सकीना वेरी गुड रौनक ठीक है इट इज बेसिकली वॉट साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन साइटोटेक्सोनॉमी ठीक है साइटोटेक्सोनॉमी साइटोटेक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट विच आर डिसिमिलर इन दी साइजेस तो अभी की ही बात है मैंने तुम्हें बताया था कि इसका एग्जाम्पल क्या था इसका एग्जाम्पल था योडरना, योडोरना चलिए बताइए ऐसे गैमिट्स को क्या बोलते हैं वेरी गुड सोनल सागर साहिल गलत हो गया no problem, no problem, अभी लर्न कर लो एन आइसोग क्या होता है जब डिसिमिलर इन दी साइजेस होता है जब सिमिलर है बिल्कुल साइजेस में उसे क्या बोलोगे उसे बोलोगे आइसोगेमस वॉट विल बी दैट नोन एज आइसोग विद्या का आज बर्थडे है विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे विद्या ठीक है वेरी गुड विंकल रिजू पूजा दीपिका बैड बॉय दीपांश वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रिप्रेजेंट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अमंगस्ट जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे क्या बोलेंगे वेरी गुड रितेश ठीक है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिम्नोस्पर्म में उसे क्या बोलते हैं तो जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव ऑर्गन इन द जिम्नोस्पर्म इज नोन एज कोन्स ठीक है कॉन्स बोलते हैं हेलो प्रियांशी स्टार्ट सॉल्विंग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सागर इट इज़ नोन एज कोन कोन आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन दी जिम्नोस्पर्म बेटा ये सीरीज अगर तुम सभी चैप्टर के अटेंड करते हो तो एनसीईआरटी की जो छुपी हुई लाइंस है जो शायद ध्यान से नहीं पढ़ पाते हो वो लाइंस भी कवर हो जाएंगी यहाँ पर इन ब्रायोफाइट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड तो अब तुम दो दो चीज़ें क्या टाइप करोगे तुम तो बस फीमेल ऑर्गन बता दो मेल मैं बता देती हूँ मेल मैंने बता दिया फ़ीमेल ऑर्गन तुम बता दो हेलो लड्डू फीमेल ऑर्गन बताओ जल्दी से द फीमेल ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट इज नोन एज वेरी गुड रोमा वेरी गुड बेटा बताओ जामिल वेरी गुड बैड बॉय साहिल सिया गायत्री रिजू मराज परमार गितिका बहार वेरी गुड मर्सी नीट पी वाई क्यू थर्टी ईयर वेरी गुड द हेट्रोस्पोरस टेरिडो फाइट बिलोंगिंग टू द्लास लाइकॉप्सडा इस क्वेश्चन का आंसर तुम दो 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 इन्फॉर्मेशन के थ्रू दे पाओगे कि वो मेम्बर होना चाहिए लाइकॉप्सडा का एंड सेकेंडली इट शुड ऑल्सो भी हैट्रोसपोरस हाइड्रोस्फोरस भी होना चाहिए तभी मजा आएगा बताइए कौन है ये कौन है ये जो हाइड्रोस्फोरस भी है और लाइकोसिडा में भी है इट इज सिलाजिनेला इट इज सिलाजिनेला क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सिलाजिनेला वेरी गुड रेनू वेटिंग फॉर अदर्स टू आंसर दिस क्लास डेली शाम को सात बजे होती है जब आप वन लाइनर का मास्टर कर लेते हैं हर्षिता बेटा सिलाजिनेला प्लीज डोंट आंसर इट सेल्वीनिया ठीक है प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज आर द प्री स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ किसकी लाइफ साइकिल की प्री डोमिनेंट है प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज कम ऑन गाइस लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन कौन सी होंगी प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज आर द प्रीडोमेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल किसकी जिंदगी की प्रीडोमिनेंट है इट इज मॉस ठीक है वेरी गुड रिजू रेनू साहिल मिराज वेरी गुड बेटा वेरी गुड अब इसका आंसर बताओ इट इज ट्रू और फॉल्स आप लोगों को बस अब ट्रू और फॉल्स बताना है तो आंसर कैसे बताओगे वन टी या फिर वन एफ ताकि इससे क्लियर हो जाए कि कौन से नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे आप लोग ठीक है या शॉर्ट फॉर्म में बच्चे आंसर दे रहे हैं है ना तो अब तुरंत बता दोगे विंकल सोनाली आशीष बताओ जल्दी से टेरिडोफाइट नो no, इट इज़ फॉल्स किस में होती है फॉल्स और ट्रू तो बोलोगे साथ में एक्सप्लेनेशन भी दोगे साथ में एक्सप्लेनेशन भी दोगे ठीक है इट इज़ फॉल्स वाई एंथ्रीडियो फोर्स एंड आर्चिगोनियो फोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडो फाइट्स टेरिडोफाइट्स में रहते हैं क्या बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू बेटा मैं बोल रही थी पहले अपन एमसीक्यू वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं है ना फिर वो वाला पार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज मॉस में होती है राइट right? मॉस में होती है है ना ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज ब्रायोफाइट एम्फीबियन क्यों होते हैं तो आंसर इज ए क्या होता है कि रहते तो वो लैंड पर है बट दे ऑल्सो रिक्वायर वॉटर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ना क्या चाहिए न सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ताकि गैमीट ट्रांसपोर्ट होके चले जाए तो फर्स्ट का आंसर है ए सेकेंड टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसिस ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग मोसिस को ही ब्रायोफाइट बोलते हैं टेरिडोफाइट और मोसिस में क्या डिफरेंस है टेरिडोफाइट के पास ऐसी क्या चीज है बेटा आंसर ऐसे दो सेकंड का बी ताकि मुझे पता रहे कि तुम कौन सा आंसर दे रहे हो तो द आंसर ऑफ सेकंड इज बी वेरी गुड गायत्री साहिल नौशाद नजीम स्निग्धा सुराजीत रितेश साहिल कशिश नेहा वेरी गुड ठीक है इनके पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम है पर मॉसस और ब्रायोफाइट के पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है इन क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी ग्रीन एलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बताओ ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है वेरी गुड रचित पूजा स्नेहा रूबी सुगनाथ दीपिका श्रद्धा हर्षिता साहिल बैड बॉय रिजू वेरी गुड तो आइसोगेमी एन आइसोगी ऊ गैमी थर्ड का आंसर होगा बी तो क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों से हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन के पास क्या है दो कॉटेलिडेंट है ठीक है फिर भी इनको एनजीओ स्पर्म के डायकॉट में नहीं रखा गया दो दोन है तो इट शुड बी नोन एज डायडन क्यों नहीं रखा गया क्यों नहीं रखा गया बिकॉज देयर ओव्यूल्स आर नेकेड आशीष बैड बॉय गीतिका बॉयसी ग्रद्धा जोया सुनीता वर्षा श्रुति विंकल रितेश वेरी गुड जेठा लाल अजय वेरी गुड वेरी गुड द आंसर इज नेकेड ओव्यूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन एनजीओ स्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इन टू इन एनजीओ स्पम फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप हो जाता है इजी पीजी लेमन स्क्वीजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा फिफ्थ का आंसर क्या होगा किसमें डेवलप हो जाता है जल्दी बेटा फिफ्थ का आंसर ऐसे देना है फिफ्थ का क्या फंक्शनल मेगास्पोर, इट विल डेवलप इन वेरी गुड रिजू रोमा श्रद्धा श्रेया सिया अनुज पुरावी अनुज गीतिका जोया हिमांशी इट विल डेवलप इन टू सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिविंग फॉसिल किसे बोलते हैं जीता जाता फॉक्स फॉसिल। एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कॉकरोच इज ऑल्सो नोन एज लिविंग राइट। इसके अलावा कौन है लिविंग फॉसिल इट इज जिंको बायलोबा इसका फुल फॉर्म क्या है जिंको बाइलोबा ठीक है इज अ लिविंग फॉसिल वेरी गुड अजय हर्षिता गायत्री मिराज सानिया जोहा साहिल सिया रोमन वेरी गुड सुहेल वेरी गुड सरन्या वेरी गुड नेहा गुड गुड ब्लू ग्रीन एलगी बिलोंग्स टू ब्लू ग्रीन एलगी किसको बिलोंग करती है तो ब्लू ग्रीन एलगी एज वी नो दैट इट इज नोन एज साइनो इसे क्या बोलते हैं साइनो बैक्टेरिया साइनोबैक्टीरिया किस में आते हैं प्रोकरियॉर्ट्स में आते हैं बिकॉज दे देयर न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड दे डू नॉट पोजेस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लिमुलस इज ऑल्सो अ लिविंग फॉसिल वेरी गुड वेरी गुड ठीक है हाँ महादेव स्टार्ट हो गया बेटा नेक्स्ट बायो इंडिकेटर्स आर बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं बायो इंडिकेटर्स क्या है तो बायो इंडिकेटर्स बायो मतलब दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म और, और ये किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो किसको इंडिकेट कर रहे हैं पॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहे हैं पॉल्यूशन को कैसे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो लाइकेंस होते हैं दे डू नॉट ग्रो इन द रीजन जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है तो जहाँ एसो टू है वहाँ ग्रो नहीं होते तो इंडिकेट कर देते हैं वेरी गुड दिपेश आशीष तरन्या मिराज अजय जोया परमार प्रतिमा मर्सी वेरी गुड द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म यहाँ पर आपको प्लॉइडी बतानी है कि जिम्नोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है वॉट इज द प्लॉइडी ऑफ जिम्नोस्पर्म तो जो जिम्नोस्पर्म की प्लॉइडी है एंडोस्पर्म की दैट इज है लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि एनजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है इसकी आप लोग जरा हमें फ्लोइडी बता दीजिए तो हम बोलेंगे इट इज ए ट्रिपलॉइड इट इज थ्री एंड बिकॉज इट इज बाय डबल फर्टिलाइजेशन है ना इट इज बाई बाय बाई ट्रिपल फ्यूजन वेरी गुड वेरी गुड प्रतिमा रितेश शुभम वेरी गुड मनीषा वेरी गुड रेनडियर मॉस इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ तो ये एनसीआरटी में नहीं है पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है इट इज क्लेडोनिया रेंजी फेरिना इसे क्या बोलेंगे हेलो शुभम इट इज नोन एज क्लेडोनिया रेंजी फेरिना नेक्स्ट मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन थर्टीन इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग किस में है आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू आंसर दिस एनजीओ स्म की है बेटा थ्री एन श्रुति गॉट इट ट्रेंड क्रिएटर वेरी गुड पुरावी वेरी गुड ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टींथ का आंसर आप लोगों के लिए वेट कर रही हूं मैं हेलो श्रेया हेलो हेलो वेरी गुड चरण्या वेरी गुड गायत्री अजय रोमा बैड बॉय सिया श्रद्धा मिराज विजय टारगेट आशीष सकीना वेरी गुड स्निग्धा इट इज वॉट बेटा इट इज सही नहीं बता रहे बच्चे आज थर्टींथ स्वैगनम साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर हैविंग साइकस और एडियंटम में एक चीज है जो दोनों में सिमिलर है वो चीज़ क्या है दैट इज मोटाइल स्पर्म दोनों के जो स्पर्म होंगे दे आर मोटाइल दे आर एबल टू मूव सो द मोटाइल स्पर्म इज द कैरेक्टर फीचर ऑफ द साइकस एज वेल एज ऑफ द एडिएंटम नेक्स्ट कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस इज अ डिस्टिंग फ्रॉम एंजियो स्पर्म रूट्स बायटींथ बताओ कोरोलॉइड रूट जो है साइकस का इसको किससे डिस्टिंग्विश करते हैं एंजियोस्पर्म की रूट से कैसे करते हैं बेटा कैसे करते हैं वेरी गुड स्निग्धा श्रद्धा शिवम सोनाली अजय अजय वेरी गुड बेटा 16 सिक्सटीन इट इज द प्रेजेंस ऑफ द एलगल जोन ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा है ना रिजू सिया रितेश हर्षिता नौशाद श्रेया महादेव वेरी गुड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट दिस इज नॉट इन येट इम्पोर्टेंट ये आपने क्वेश्चन कहीं नहीं देखा होगा तो आज का दिन का सक्सेस ही ये है कि आज आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जो शायद आप पहले से नहीं जानते थे तो बग्स ये वाला जो है ठीक है दिस इज ब्रायोफाइट पर है डेड और डीकिंग मैटर पर डिपेंड करता है बक्स बक्सबोमिया एफाइला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आयोडीन इज ऑप्टेंड फ्रॉम आयोडीन किससे ऑप्टेन होता है आयोडीन किससे ऑप्टेन होता है बताइए आयोडीन इज ऑप्टेंड फ्रॉम इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द आयोडीन वेरी गुड श्रद्धा कशिश प्रतिमा आशीष मर्सी तो इट इज लैमिनेरिया ओके लेमिनेरिया इज रिस्पॉन्सिबल रचित सरन्या मिराज पूजा अजय वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ द एलगी सेम क्लास ऑफ द एलगी को बिलोंग करते हैं वो ऐसे कमेंट्स आना चाहिए कि मजा आ जाए बेटा ठीक है वॉलवॉक्स स्पायरो क्लामाइडोमॉस बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ द एलगी कौन बच्चा इतना इतना होशियार है जो मुझे बता देगा कौन सी क्लास ऑफ द एलगी को बिलोंग करते हैं फर्स्ट वाले का कौन बताएगा कि कौन सी क्लास ऑफ दी एलगी है बताओ जल्दी से कौन सी क्लास ऑफ दी एलगी है हु इज गोइंग टू टेल मी वेरी गुड रितेश अब ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू नहीं है टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू है वेरी गुड बेटा श्रुति सरण्या अजय साहिल माया श्रद्धा मर्सी जाहिद सिया वेरी गुड वर्षा अमन मनीषा फर्न प्लांट इज नाउ दिस इज समथिंग नाइस फर्न प्लांट बेसिकली क्या होता है कौन चैनल में मैम क्लास आता है अरे मैम का क्लास इसी चैनल पे आता है थर्ड ठीक है इट इज अ डिप्लॉइड स्पोरोट पे ऐप पे अपनी क्लास है आज रात को टेन थर्टी पी एम अनअकेडमी क्लास पे देर विल बी बायोलॉजी निशाचर मॉक सीरीज बायोलॉजी निशाचर मॉक सीरीज करेंगे द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट कंपेयर टू अदर प्लांट ग्रुप इज दैट ब्रायोफाइट के पास ऐसा क्या है कि दूसरे प्लांट ग्रुप्स के पास नहीं है वॉट इज दिस आंसर ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं है हाँ श्रुति देयर इज चैनल फोर्थ ठीक है देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गेमीटोफाइट बाकी प्लांट्स में ये देखने को नहीं मिलता है पर इसमें ये चीज डेफिनेटली मिलती है इफ देयर आर फोर सेल्स इन दी एंथर वॉट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन नाइस क्वेश्चन एंथर में अगर चार सेल है तो पोलन ग्रेन कितने होंगे तो यहाँ आप लोगों को एक सिंपल सा मैक्स स्मैथ करना है दैट इज फोर फोरजा सिक्सटीन हर सेल क्या करेगा चार बनाएगा तो चार है तो सिक्सटीन बन जाएंगे इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी ओवर ईयर प्रशांत श्रेया प्रतिमा बैड बॉय अजय ट्रेंड हर्षिता मिराज वेरी गुड ब्रायोफाइट आर डिफरेंट फ्रॉम फंजाई इन हैविंग ब्रायोफाइट और फंजाई में कहाँ जाकर डिफरेंस है ब्रायोफाइट और फंजाई में कहा डिफरेंस है तो दे हैव हाँ स्टराइल जैकेट लेयर्स उनके पास क्या होती है स्टराइल जैकेट लेयर होती है स्नेहल आशीष श्रेया सोनाली दीपिका ओनली फ्यू बेटा। माया गायत्री वेरी गुड मॉस पीट है उसको पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं फॉर सेंडिंग दी फ्लॉर्स एंड लाइव प्लांट्स टू तो डिस्टेंट प्लेस बिकॉज मॉज प्लांट क्यों यूज़ करा मॉस प्लांट इसलिए यूज़ करा ताकि हम पैक कर पाए पैकेजिंग कर पाए ठीक है और क्या पर कर पाए तो लाइव प्लांट्स को दूसरी जगह फ्रेश फ्रेश पहुंचा पाए तो मॉस पीट इज़ बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक दैट मींस उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तगड़ी है वाटर होल्ड करेगा मॉइस्चर रिटेन करेगा वेरी गुड विंकल पूजा क्या कर रहे हो भैया इतना बड़ा बड़ा डी टाइप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर एट नहीं बस इतने ही क्वेश्चन हैं सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन होप यू हैव इन्जॉयड दिस क्लास रात को टेन थर्टी बायोलॉजी नॉक्टर्नल मॉक ऑन अन अकेडमी जो भी बच्चा अन अकेडमी पर नहीं है अनअकेडमी डाउनलोड करें यूज करें दिस कोड टू एक्सेस द फ्री क्लासेस एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन यू ऑल्सो गेट टेन परसेंट ऑफ ओवर ईयर कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है कल तुम्हें सारे साइंटिस्ट का फोटो देख के आना है और उन साइंटिस्ट का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है ये देख के आना है साइंटिस्ट की फोटो आएगी यू विल हैव टू टेल कौन सा साइंटिस्ट है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है तो कल मिलते हैं इस प्यारे से, से सेशन के साथ ऑन अनअकैडमी सेपियंस डेली शाम को 7 पीएम लाइव विद पीएम मैम बाय